नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8वीं से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए राज्य भर में लगेगा रोजगार मेला। G20 मीटिंग के लिए पहुँचे विदेशी मेहमानों का ऐसे हुआ स्वागत। बिहार के इस जिले में भारी बारिश के आसार। हर शनिवार को स्कूलों का निरीक्षण करेंगे उप निदेशक। टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में भारतीय टीम का ये है एकमात्र खिलाड़ी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस महीने से लौटेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी। राज्य के वैसे स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जिनके पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर किया गया है और उनकी ओर से सिक्योरिटी मनी जमा की गई थी, तो बहुत जल्द ही उनके सिक्योरिटी मनी वापस मिलने वाली है। बता दें कि राज्य में ऐसे 15 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं जिन्हें जुलाई महीने में सिक्योरिटी मनी मिलने वाली है। मालूम हो कि इसके लिए बिजली कंपनी की ओर से एक ऐप बनाया गया है जिस पर उपभोक्ता आवेदन कर अपना सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी मनी उन उपभोक्ताओं को ही वापस मिलेगी जो बिजली कंपनी को कनेक्शन लेने और लोड बढ़ाने के समय की ओरिजिनल रसीद दिखाएंगे। इसके लिए ऐप पर बिजली कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को अलग अलग समय दी जाएगी। बता दें कि सिक्योरिटी मनी की वापसी ब्याज समेत की जाएगी जो कि बैंक में मिलने वाले साधारण ब्याज के अनुरूप होगा। मालूम हो कि राशि कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को रिचार्ज के रूप में दी जाएगी। वही वैसे उपभोक्ता जिनके पास रसीद नहीं है उन्हें दूसरे चरण में विभागीय डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद सिक्योरिटी मनी लौटाई जाएगी। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनुभव सिन्हा के बारे में। अनुभव सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1965 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। यह रावण, तुम बिन, 10, मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ और भीड़ जैसे फिल्मों के लिए उल्लेखनीय हैं। अनुभव सिन्हा ने 4 दिसंबर 1990 को मुंबई जाने से पहले एक थिएटर कलाकार के रूप में नई दिल्ली में 2 साल तक काम किया। उन्होंने GTV के लिए टेलीविजन के लिए एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में शाखा लगाने से पहले 1994 तक पंकज पारासर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उन्हें मुंबई में टीवी नेटवर्क के प्रमुख शो सकस्त में उनके काम के लिए देखा गया था। इसके बाद UTV के लिए टीवी शो सी हॉक्स का 72 एपिसोड के बाद उन्होंने संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 2000 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म तुम बिन शुरू करने के लिए संगीत वीडियो पर काम करना छोड़ दिया। उनकी तीसरी फिल्म मल्टी स्टारर 10 वर्ष 2005 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। अनुभव सिन्हा बनारस मीडिया वर्कर्स के संस्थापक और मालिक भी हैं। G20 मीटिंग के लिए पहुंचे विदेशी मेहमानों का ऐसे हुआ स्वागत। बिहार की राजधानी पटना में G20 की बैठक को लेकर बीते दिन विदेशी मेहमान पटना आ चुके हैं। बता दें कि पटना में उनका स्वागत परंपरागत तरीके से भव्य रूप से किया गया। बता दें कि G20 मीटिंग की शुरुआत राजधानी पटना में एक पॉश होटल में वेलकम देकर और सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के साथ होगी, जिसको लेकर बिहार के कलाकारों की ओर विशेष तैयारी की गई है। मालूम हो कि संस्कृति शो के क्रिएटिव डायरेक्टर सुबोध पोद्दार के अनुसार दर्शक दूसरे दिन ज्ञान भवन में बिहार में लुप्त हो रहे कटघोड़वा डांस को देखेंगे और फिर इसके बाद विदेशी मेहमानों को रशन चौकी की धुनों में डूबने का मौका मिलेगा। बता दें कि आज यानी कि 22 जून को 20 बौद्ध भिक्षु मंत्रोच्चार करते हुए बापू सभागार में विदेशी मेहमानों के बीच पहुंचेंगे और फिर इसके बाद बिहार के कलाकार लोक नृत्य के माध्यम से कजरी, मुखौटा डांस, झरनी नृत्य, छठ पूजा गीत और होली का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये लोग ग्रामीण बिहार की सुंदरता को भी पेश करेंगे। ज्ञान भवन में तीसरे दिन रासलीला का आयोजन किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का राज्यपाल से मिली मंजूरी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इस बार बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में नहीं बल्कि पखवाड़े में चलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार का मॉनसून सत्र 5 दिन का होने वाला है, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से होने वाली है जो कि 14 जुलाई तक चलेगी। मालूम हो कि इससे पहले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालय के द्वारा अपने अध्यक्ष और सभापति से सहमति प्रदान कर ली गई थी। बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ जहां विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी अपनी बातों को मुखरता से रखेगा। मालूम हो कि पहली बार है जब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में बुलाई गई है।
पहले चरण में 12 जिलों में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। राज्य के सभी जिलों में सिमुलतल्ला की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं, जिसके पहले चरण के तहत राज्य के कुल 12 जिलों में आवासीय विद्यालय को खोला जाएगा। बता दें कि राज्य के जिन 12 जिलों में आवासीय विद्यालय को खोला जाना है, उन जिलों के 5-5 विद्यालयों की सूची बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। वहीं अब इन 5 विद्यालयों की जांच कमेटी स्थल के द्वारा की जाएगी और फिर उसके आधार पर इन 5 स्थानों में से किसी एक का चयन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण के तहत राज्य के जिन 12 जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं, उनमें नालंदा, रोहतास, कैमूर, बांका, सिवान, गया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, वैशाली और पूर्णिया के नाम शामिल हैं। रेलवे ने पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर दी जानकारी। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि रेलवे की ओर से इस ट्रेन के किराए को भी तय कर लिया गया है, जिसके तहत अगर यात्री एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करना चाहते हैं तो उन्हें 1,250 रुपए से लेकर 2,300 रुपए के बीच तक देने होंगे। वहीं अगर यात्री चेयर कार क्लास में सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 1,300 रुपए देने होंगे। इन सबके अलावा अगर कोई यात्री ट्रेन का खाना लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें खाने के लिए अलग से पैसे देने होंगे, जिसके तहत चेयर कार वाले यात्री को 400 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास वाले यात्री को 700 रुपए अलग से देने होंगे। बता दें कि यात्रियों के लिए भोजन वैकल्पिक होगा। ऐसे में अगर यात्री टिकट में भोजन का विकल्प नहीं रखते हैं और यात्रा के दौरान भोजन की मांग करते हैं तो उस परिस्थिति में यात्री को 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिंबिसार जेल के बारे में। बिंबिसार जेल का नाम प्राचीन इतिहास के महान राजा बिंबिसार के नाम पर रखा गया है। उसने हड़यक वंश की स्थापना की और एक गांव की किलेबंदी के साथ मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर बन गया। बिंबिसार जेल से कृद्धकुट्टा पहाड़ी के साथ साथ जापानी पैगोडा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वह भगवान गौतम बुद्ध के कट्टर शिष्य थे, जिन्हें उनके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें अपने कारावास के लिए एक विकल्प चुनने के लिए कहा और उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहां से वह भगवान बुद्ध को देख सके। ऐसा कहा जाता है कि राजा बिंबिसार बुद्ध के ज्ञानोदय से पहले पहली बार बुद्ध से मिले थे और बाद में एक महत्वपूर्ण शिष्य बन गए, जो कुछ बौद्ध सूक्तों में प्रमुखता से दिखाई दिया। उन्हें बौद्ध शिक्षाओं में ज्ञान की डिग्री सोतापन्नहुड प्राप्त करने के लिए दर्ज किया गया है। 8वीं से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए राज्य भर में लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से 2023-24 में लगने वाले रोजगार मेला के लिए तिथि जारी कर दी गई है। मालूम हो कि इस रोजगार मेले में 8वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री समेत अन्य डिग्रीधारी युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में रोजगार मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर से जारी की गई तिथि के अनुसार प्रमंडल स्तर पर 2 दिवसीय तो वहीं जिला स्तर पर 1 दिन रोजगार मेला का आयोजित किया जाएगा। बता दें कि जारी किए गए तिथि के अनुसार दरभंगा में रोजगार मेला 23-24 जून को हो रहा है, वहीं मधुबनी में 26 जून, सीतामढ़ी में 28 जून, शिवहर में 30 जून, बेतिया में 30 जुलाई, मोतिहारी में 5 जुलाई, भागलपुर में 6 जुलाई, बक्सर में 8 जुलाई, भोजपुर में 10 जुलाई, बेगूसराय में 12 जुलाई, खगड़िया में 13 जुलाई, पटना में 14-15 जुलाई, नालंदा में 17 जुलाई, लखीसराय में 19 जुलाई, जहानाबाद में 21 जुलाई, मुंगेर में 24-25 जुलाई, बांका में 26 जुलाई, गया में 28-29 जुलाई, अरवल में 31 जुलाई, नवादा में 2 अगस्त, शेखपुरा में 3 अगस्त, जमुई में 4 अगस्त, औरंगाबाद में 7 अगस्त, रोहतास, डालमियानगर में 9 अगस्त, कैमूर में 11 अगस्त, मुजफ्फरपुर में 13 व 14 अक्टूबर, समस्तीपुर में 16 अक्टूबर, गोपालगंज में 18 अक्टूबर, सिवान में 20 अक्टूबर, छपरा में 1 और 2 नवंबर, किशनगंज में 6 नवंबर, अररिया में 8 नवंबर, कटिहार में 10 नवंबर, पूर्णिया में 28-29 नवंबर, सुपौल में 1 दिसंबर, मधेपुरा में 4 दिसंबर और सहरसा में 7-8 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। 18 जुलाई से शुरू होने वाले मलमास मेले के तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक। 18 जुलाई से बिहार के राजगीर में लगने वाले मलमास मेले की तैयारियों को लेकर बीते दिन जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उपस्थित विभाग के मुख्य अभियंता के द्वारा जिलाधिकारी को जानकारी देते हुए बताया गया कि जीर्णोद्धार से संबंधित मुख्य कार्य पूरा कर लिया गया है और वर्तमान में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, जो कि 5 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेला के दौरान साफ सफाई को लेकर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए अलग से निविदा भी निकाली गई है। मेला में लगभग 750 अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे और इसकी सफाई के लिए 3 अलग अलग पालियों में सफाई कर्मी और सफाई पर्यवेक्षक
निरीक्षक की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से की जाएगी। मेला क्षेत्र में लगभग 2000 डस्टबिन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। 5 चिन्हित स्थलों पर पेय गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। आयुष डॉक्टर नियुक्ति परीक्षा की उम्र सीमा में BTSC ने दी उम्र की छूट। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक आयुष चिकित्सक की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट दे दी गई है। बता दें कि यह छूट 23 वर्षों की दी गई है, यानी कि अब 67 वर्ष सेवानिवृत्ति उम्र वाले पद की नियुक्ति परीक्षा में 68 वर्ष के आयुष चिकित्सक भी शामिल हो सकेंगे। वहीं वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा पार हो गई है, लेकिन अब उम्र सीमा में छूट मिल गई है, तो वो भी 3,270 पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की नई तिथि 22 जून से शुरू की गई है, जो कि 1 जुलाई तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी के बाद आयुष चिकित्सकों के 6 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 7,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लू से मौत के आंकड़े जुटाएगी बिहार सरकार। राज्य में धीरे धीरे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। मालूम हो कि बीते दिनों हीटवेव की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं लू से जान गंवाने वाले लोगों का विस्तृत ब्यौरा बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों से मांगा गया है। बता दें, इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लू से राज्य में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है और अब स्वास्थ्य विभाग इन्हीं आंकड़ों को जुटाने में लगी है। मालूम हो कि विभाग की यह जानकारी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक के द्वारा दिए जाएंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पटना मेट्रो में मिलेगी कई सुविधाएं। पटना मेट्रो का सफर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए आसान हो सके, इसके लिए पटना मेट्रो की निर्माण कंपनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से पटना मेट्रो के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूछताछ या टिकट खिड़की पर ब्रेल लिपि का रूट मैप मिलेगा। वहीं मेट्रो कार्ड में रास्ते में आने वाले स्टेशनों की घोषणा की जाएगी और उनके नामों का डिस्प्ले भी होगा। बता दें कि नेत्रहीन लोगों के लिए स्टेशन में प्रवेश से प्लेटफॉर्म पर मेट्रो ट्रेन के दरवाजे तक उभड़ा हुआ निर्देशक पथ और उभड़ा हुआ चेतावनी स्थल बनाया जाएगा। वहीं टिकट खिड़की के पास व्हील चेयर से भी टिकट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। व्हील चेयर वाले यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच दूरी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा सूचना एवं सहायक डेस्क टर्मिनल के प्रवेश द्वार के पास ही बनाए जाएंगे, ताकि सभी को नजर आए। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति की ओर से सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 10 अगस्त 2023 तक चलने वाली है। ऐसे में इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन करवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट navoday.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ यह याद रखना भी जरूरी है कि स्टूडेंट्स को केवल एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति है। अगर सत्यापन के दौरान पाया जाता है कि स्टूडेंट्स के द्वारा एक बार से ज्यादा आवेदन किया जा चुका है, तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के इस जिले में भारी बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 22 से 25 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इधर IMD की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बारिश को लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अररिया और सुपौल में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह के हालात 25 जून तक देखने को मिलने वाले हैं। बता दें कि सीमांचल के इलाके को प्रदेश में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए इन इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। पटना गया डोभी NH निर्माण पर पटना हाई कोर्ट का सवाल। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर
की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की ओर से पटना गया डूबी एनएच सड़क निर्माण में लगी कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह हलफनामा दायर कर यह बताए कि इस एनएच खंड का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि कोर्ट की ओर से कंपनी को एनएच के निर्माण को लेकर फेज एक, फेज दो और फेज तीन में किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मालूम हो कि कोर्ट की ओर से पिछले सुनवाई में भी कंपनी से पूछा गया था कि इस एनएच का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, जिस पर कंपनी की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि 30 जून 2023 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई 2023 को की जाएगी। हर शनिवार को स्कूलों का निरीक्षण करेंगे उपनिदेशक। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि अब हर शनिवार को विभाग के सभी उपनिदेशक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी के द्वारा जिलों के स्कूलों का निरीक्षण करने का काम करेंगे, जिसका निर्धारण संबंधित निदेशक द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में हर रोज अथवा एक दिन बीच कर पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण कार्य में विभाग के उक्त पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि स्कूलों के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि स्कूलों में निरीक्षण कार्य की शुरुआत गर्मी की छुट्टी के खत्म होने के बाद किए जाएंगे। इसके साथ ही विभाग की ओर से सभी डीईओ को आदेश दिया गया है कि वे स्कूलों के नियमित निरीक्षण को लेकर एक कार्य योजना तैयार करें। आज पटना पहुंचेंगे ये तीन राजनीतिक दिग्गज। कल यानी कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में आज से यानी कि 22 जून से बैठक में शामिल होने के लिए देश के बड़े राजनीतिक दिग्गजों का आना शुरू हो जाएगा। बता दें कि आज देश के जो बड़े नेता बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं, उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के नाम शामिल है। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार ये सभी दिग्गज आज शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। वहीं इनके ठहरने की व्यवस्था राजकीय अतिथिशाला में की गई है। वहीं नेताओं के आगमन को लेकर प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पटना के लिए शाम 4 बजे रवाना होंगे। वहीं ममता बनर्जी शाम 4:30 बजे और महबूबा मुफ्ती सुबह 10:30 बजे पटना के लिए रवाना होंगी। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी। बीते दिन बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इस दौरान मांझी के साथ उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। वहीं बीते दिन अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए के साथ जाएगी। मालूम हो कि जीतन राम मांझी और अमित शाह के बीच 1.25 घंटे की हुई इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के द्वारा कहा गया कि हम एनडीए का हिस्सा होगी और आने वाले दिनों में सीटों का फॉर्मूला तय किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से संतोष सुमन के द्वारा नीतीश कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है, तब से ऐसी चर्चा थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए के साथ जा सकती है, जिस पर बीते दिन मुहर लगा दिया गया है। 23 जून की विपक्षी बैठक पर सुशील मोदी का तंज। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि विपक्षी एकता बरसाती मेंढकों को तौलने के समान है। उन्होंने कहा कि एकता के नाम पर हर दल सरते थोप रहा है। मायावती, कुमारस्वामी, केसीआर, नवीन पटनायक, वाईएसआर ने तो पहले ही इससे किनारा कर लिया। वहीं अरविंद केजरीवाल का शर्त है कि बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से एकता के पहले अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में एजेंडा का हाईजैक करने की होड़ लगी है। शरद पवार न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार की रणनीति तो कांग्रेस बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा रोकने के एजेंडे पर पहले बात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 44 विधायक वाले मुख्यमंत्री न तो बिखरे हुए जनता परिवार को एक कर पाए और न ही विपक्ष को एक कर पाएंगे। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस का बड़ा दावा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में भी विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति के पहले चरण की शुरुआत की जा सके। बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि हम राज्यों में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी कुर्बानी के लिए ही जानी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विपक्षी बैठक में शामिल होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएंगे। दोनों नेता विपक्षी एकता की बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी सदाकत आश्रम में सभा भी करेंगे।
टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में भारतीय टीम का ये है एकमात्र खिलाड़ी। आईसीसी की ओर से ताजा रैंकिंग अपडेट जारी की गई है, जिससे कि यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी के टॉप 10 रैंकिंग में भारतीय टीम का भी एक खिलाड़ी शामिल है। बता दें कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह ऋषभ पंत है, जिन्होंने पिछले 6 महीने से क्रिकेट से दूरी बनाई रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस रैंकिंग में टॉप 10 पर बने हुए हैं। बता दें कि वह इस टॉप 10 रैंकिंग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत के कुल 758 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर हैं और टॉप के भारतीय खिलाड़ी है। वह ऋषभ पंत के बाद इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर रोहित शर्मा है। इसके अलावा विराट कोहली अब 13वें नंबर से खिसक कर 700 पॉइंट के साथ 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को 1555 में अपने वारिस के रूप में घोषित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इंग्लैंड और भारत के बीच 1946 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारत के सम्राट का खिताब 1948 में उनकी महामहिम यूनाइटेड किंगडम के राजा का खिताब से हटा दिया गया। 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में 2009 को दिखाई दिया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म 1900 में हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम अल्टर का जन्म 1950 में हुआ। वो भारत के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का निधन 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा के सफल फिल्मकार निर्माता निर्देशक और अभिनेता एलवी प्रसाद का निधन 1994 में हुआ। भारतीय निदेशक और निर्माता राम नारायणन का निधन 2014 में हुआ। प्रमुख हिंदी कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन 2000 में हुआ। बारखर में आज हम बात करेंगे उड़ीसा ट्रेन त्रासदी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उड़ीसा ट्रेन त्रासदी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि बीएस इंडिया ने दावा किया है कि उड़ीसा ट्रेन त्रासदी के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ के बाद सिग्नल इंस्पेक्टर गायब था। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, जाँच में शामिल कोई भी कर्मचारी लापता या फरार नहीं है। व्हाट्सएप ने रोल आउट किया नया फीचर। मेटा ने व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए दो नए अपडेट रोल आउट किए हैं। दोनों ही अपडेट आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाकर प्राइवेसी में मिल जाएंगे। बता दें कि यह फीचर यूजर्स को अननोन नंबर से आ रही कॉल को साइलेंट करने का ऑप्शन देगा। इसके साथ ही कंपनी ने एक प्राइवेसी चेकअप अपडेट भी ऐप में दिया है। यूजर्स को ऐप के सभी प्राइवेसी टूल्स के बारे में बताएगा और उन्हें चेकअप का भी ऑप्शन देगा। दोनों ही अपडेट आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाकर प्राइवेसी में मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन महिलाओं के लिए बड़े काम का है, क्योंकि कई बार महिलाओं को अननोन नंबर से एकाएक कॉल्स आते रहते हैं जो उन्हें काम काज करने में परेशान करता है। इस फीचर को ऑन रखने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और अननोन नंबर से आ रही कॉल्स अपने आप साइलेंट हो जाएगी। साइलेंट हुई सभी कॉल्स यूजर्स को कॉल टैब के अंदर दिखेंगे। प्राइवेसी चेकअप के तहत व्हाट्सएप आपको हु कैन कॉन्टैक्ट यू, सी योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आदि कई चीजों की जानकारी देगा। यहाँ से आप सेटिंग से भी बदलाव कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेने से पहले जान ले आरबीआई के ये नियम। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि पर्सनल लोन लेने से पहले आप एक बार आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नए नियम को जरूर देख लें। दरअसल आरबीआई की ओर से एक नया नियम बना दिया गया है, जिससे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नियम के अनुसार अब इस तरह के लोन को देने से पहले बैंकों के द्वारा ग्राहकों का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, इसके बाद ही ग्राहकों को लोन देने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि पहले इस तरह के लोन लेने को लेकर इस तरह के किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता था। बता दें कि आरबीआई की ओर से यह नया नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन लोन में ग्राहकों से किसी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती, जिस वजह से बैंकों को नुकसान सहना पड़ता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, सत्यम कुमार, जियान अहमद, आदर्श गुप्ता, प्रवीण कृष्णा, रामनवी मांझी, विशाल, कन्हैया कुमार, बद्री कुमार, कमलेश शर्मा, प्रयाग सिंह, अनवर करीम खान, अनिल प्रसाद, मनीता भारती, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोटू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।